Hello and good morning, all of you. I welcome you all to the Alpha IS Academy special series, and today we will be discussing about sustainable development goal number no. four. That is about ensuring inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. SDG4 oh, Education related. Hai. And in fact if i may quote or if i may say that education is the foundation of all thing फाउंड Education से ही आदमी की overall personality बढ़ती है education से ही आदमी को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है अगर एक व्यक्ति के पास education proper education नहीं है तो वो जीवन में कहीं ना कहीं लैक करता है दस विल we'll सी जल्दी से हम target टारगेट देख लेते हैं ठीक है टारगेट फोर वन ये सब याद तो रखने की ज़रूरत नहीं है बस जो टार देखो हमने आपको बताया है एच के अंदर पर्टिकुलर टारगेट्स होते हैं ऐसे 169 टारगेट्स हैं 169 की 169 के तो याद नहीं रखते बट देख सकते हैं क्या क्या है फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इक्वल एक्सेस टू तो क्वालिटी प्री प्राइमरी एजुकेशन इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल टेक्निकल वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन increase the number of people with relevant skill for financial success eliminate all discrimination in education universal literacy and numeracy education for sustainable development and global citizenship build and upgrade inclusive and safe schools expand higher education scholarships for developing countries increase the supply of qualified teachers in developing countries thus now we'll see the status, the global scenario, the Indian scenario, and how we need to take it forward. Thus, at the global level, in spite of we have made considerable progress on education, access and participation over the past years, education Zoraya Tab B. there are 262 million children and youth aged between 16 to 17 who are out of school. In 2017 and more than half of the children and adolescents are not meeting minimum proficiency standards in reading and mathematics. इसका मतलब ये है कि दो मिलियन बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं और उनमें से आधे जो पढ़ भी रहे हैं जो उनका लेवल है वो क्लास की जैसे मान लिया अगर आप आठवीं क्लास का बच्चा तो आप एक एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक सम कर लेगा या मल्टीप्लिकेशन कर लेगा लेकिन जब स्कूल में चेक्स होते हैं तो पाया जाता है कि वो बच्चे उस लायक नहीं हैं तो मतलब एजुकेशन जिनको मिल रही है उस एजुकेशन सिस्टम में भी एक फॉल्ट दिखाई दे रहा है देन रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस प्रेजेंस अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस ऑफ कोर्स ठीक है इनफैक्ट ये एक डिजिटल डिवाइड भी क्रिएट कर रहा है भाई जिन बच्चों के पास मोबाइल हैं टैब्स हैं वो अच्छा मटेरियल एक्सेस कर पा रहे हैं लाइक like, आप लोग ये वीडियो

एजुकेशन सिस्टम का वो जो नीड है टाइम की उसके साथ नहीं रह पा रहे हैं इनफैक्ट ग्लोबली देर हैज़ बिन लिटिल प्रोग्रेस इन परसेंटेज ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स और ये जो है स्टेग्नेंट ही हो गई है सिंस 85 अबाउट 85 फाइव परसेंट सिंस दो मतलब 85 फाइव परसेंट ही थी प्राइमरी स्कूल टीचर्स की वो अभी भी दो में के आसपास या इक्कीस के आसपास भी एट्टी फाइव परसेंट ही है इनफैक्ट सब साधारण अफ्रीका में तो और बुरा हाल है वहाँ पे ये 64 परसेंट है देन आउट ऑफ वन इन फाइव चिल्ड्रेन एडोलिसेंट्स एंड यूथ आर आउट ऑफ स्कूल हर एक में से पांच बच्चा जो कि बच्चा है या यूथ में है वो आउट ऑफ स्कूल है इंक्लूड 64 मिलियन चिल्ड्रेन ऑफ प्राइमरी स्कूल एज 61 मिलियन ऑफ लोअर सेकेंडरी स्कूल एज एंड वन मिलियन ऑफ अपर सेकेंडरी स्टेज तो ये डाटा इतना याद रखने की जरूरत नहीं है बट ये याद रख लो कि एक में से पाँच बच्चा डेवलोसेंट एंड यूथ में कि एज में अभी भी बाहर है अब इंडिया देख लेते हैं कैसे परफॉर्म कर रहा है ग्लोबली लिटरेसी रेट एट्टी सिक्स पॉइंट टू परसेंट है इनफैक्ट इतना होने के बावजूद देर आर सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स सेवन मिलियन चिल्ड्रेन हु रिमेन आउट ऑफ द स्कूल इनफैक्ट इन इंडिया सेवेंटी फोर पॉइंट जीरो फोर परसेंट एडल्ट आर लिटरेट सिक्सटी एट पॉइंट नाइन वन एडल्टिटरेड इन रूरल एरियाज रूरल में कम है अरबन से एंड फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ पीपल विद डिसबलिटीज़ आर लिटरेड दैट्स दैट थर्टी फोर परसेंट चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स आर आउट ऑफ स्कूल वी नीड टू हैव स्कूल्स स्पेशल स्कूल्स डिजाइन फॉर दिज स्टूडेंट्स नो देर इज अ हंड्रेड परसेंट एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन प्राइमरी एजुकेशन अब हंड्रेड में देखो यार आप कोई आपको दिखेगा आपके अड़ोस पड़ोस में वो नहीं जा रहा तो उतना माइनर नहीं ले पाते हम फिर भी हंड्रेड परसेंट को हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं बट हायर एजुकेशन में ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर परसेंट है मतलब कॉलेज पहुंचने से पहले ही कई लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है कईयों की शादी कर दी जाती है दस कितनी बुरी स्टेट है चार लड़कियाँ अगर प्राइमरी स्कूल से पढ़ना स्टार्ट करती हैं तो उनमें से एक ही कॉलेज पहुँच पा रही है दस फोर मिलियन हमारा तो आपको पता ही है सबसे यूथ सबसे ज़्यादा यूथ इस टाइम इंडिया में ही है इसलिए डेमोग्राफिक डिपेंडेंट की भी बात होती है देन 25.8 परसेंट ग्रॉस एनरोलमेंट है हमारा हायर एजुकेशन में ये ट्वेल्थ के बाद तो मतलब ना हायर एजुकेशन में जाने में ना मतलब बहुत ही बुरा हाल है हमारा देश का ये याद रखना बस ठीक है देन आउट ऑफ यू नाइन्टी टू परसेंट फीमेल लिटरेट एंड 94 percent male are literate. thus females are catching hair also now why is it important why this sustainable goal is important you know so thus i would like like to quote um, uh, gandhiji on this that he he said that education means an all round drawing out of the best in the child and man body mind and spirit education kamatlab sirf. लिटरेसी नहीं है उन्होंने लिटरेसी और एजुकेशन को डिफरेंस किया है उसका काम है बॉडी को डिवेलप करना माइंड को डिवेलप करना आपकी स्पिरिट को डिवेलप करना दस अ क्वालिटी एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डिवेलपमेंट एंड देयर ऑफ सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स फैक्ट एज अ पॉलिटी इंटरवेंशन एजुकेशन इज अ फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं ना कि आपने मूवी देखी होगी ना अपना ये सुपर थर्टी उसमें जो बच्चा बड़ा होता है फिर बाद में वो कहता है ना कि एक घर में एक बच्चा पड़ जाए तो उसकी कितनी वैल्यू होती है उसकी कितनी अहमियत होती है कितने उस घर का पूरा सुधार हो जाता है तो दस दैट एजुकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड बिकम्स अ फोर्स मल्टीप्लायर विच इेबल सेल्फ रिलायंस बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाई इन्हेंसिंग स्किल्स एंड इम्प्रूव्स पीपल्स लाइव्स बाई ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर बेटर लाइवलीहुड्स आप एजुकेटेड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो आप स्टार्टअप भी कर सकते हो आप इंजीनियर भी बन सकते हो डॉक्टर भी बन सकते हो आप पेंटर बन सकते हो आप म्यूजिशियन बन सकते हो आपको लगता है ना कि एक्टर बनने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता एक्टर्स को भी बहुत पढ़ना पड़ता है तो आजकल कुछ भी बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ठीक है बस परफॉर्मेंस देख लेते हैं ग्लोबल लेवल पर क्या चल रही है अमंग यूथ एज बिटवीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी फोर द लिटरेसी रेट इम्प्रूवड ग्लोबली बिटवीन नाइनटीन नाइनटी एन टू बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल इंक्रीज़ नहीं है बट ठीक है हल्के एक्चुअली क्या होता है ना वो होता है ना कि सेवेंटी परसेंट मार्क्स लाना आसान है एट्टी थोड़ा टफ़ नाइन्टी और टफ नाइन्टी से नाइन्टी टू लाना और टफ़ है नाइन्टी फाइव पहुँचना और टफ़ है तो वैसे ही हो जाता है कि अब हम उस ब्रैकेट में आ चुके हैं कि अब हमें परसेंटेज इंक्रीज़ हमारा कम होते जा रहा है ठीक है तो वो नाइन्टीन नाइन्टी से दो हज़ार सोलह में एटी थ्री पॉइंट टू परसेंट से नाइन्टी फोर वन पॉइंट फोर परसेंट पर ही पहुँच गया है इंडियन लेवल देख लेते हैं वेरियस हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स लिए हैं द फर्स्ट इज़ एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है मान लिया हमने हमने ऐसे बच्चों को पहले काउंट करना है जो स्कूल जा रहे हैं जो ऑफिशियली स्कूल जा रहे हैं ठीक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स में जा रहे हैं उसे हमने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दैट एज ग्रुप मान लिया हम एक एज ग्रुप ले लेते हैं 25 से 24 साल तक या 10 से 20 साल का लेते ले हैं ठीक है इसमें हम बोलते हैं कि छः बच्चे स्कूल जा रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी टोटल बच्चे इस एज ग्रुप में टेन हैं तो ये इसको हम हंड्रेड से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो आ जाएगा तो ये एड्स ये मैंने मतलब एज ग्रुप ज़्यादा बड़ा लिया वैसे ये एज ग्रुप लगभग लगभग कुछ सिक्स से फोटीन फिफ्टीन ईयर्स वन से एट तक होता है तो एडजस्टेड एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो इंडिया में एट्टी सेवन पॉइंट टू सिक्स है काफ़ी ठीक है और इम्प्रूव करने की जरूरत है दैन सेकेंड इज द एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट एट सेकेंडरी लेवल इज सेवनटीन पॉइंट एट सेवन परसेंट मतलब सौ में से लगभग लग लगभग लग अट्ठारह बच्चे सेकेंडरी कक्षा तक ग्यारहवीं दसवीं ग्यारह ग्यारहवीं बारहवीं आपका सीनियर सेकेंडरी होता है नाइन टेंथ आपका टेंथ आपका सेकेंडरी लेवल होता है तब तक आते आते स्कूल छोड़ देते हैं देन रफली सेवेंटी वन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एट्थ अचीव्ड एटलीस्ट मिनिमम प्रोफेंशियल लेवल इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स अभी भी ट्वेंटी नाइन परसेंट के आसपास नहीं कर पा रहे हैं देन देर इज़ अ जेंडर पैरिटी ऑफकोर्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ऑल इंडिया जेंडर पैरिटी की वैल्यू वन आई है ये हम नहीं कह रहे हैं। ये ए आई एस एच ई की एक रिपोर्ट है दो हज़ार अठारह उन्नीस की तो वो शो करती है कि पैरिटी आ रही है हल्की हल्की हायर एजुकेशन में अब जब इसकी वैल्यू अब वन हो गई है वैसे तो ये कम ही रहती थी लेकिन अभी ये वन हो गई है तो हायर एजुकेशन में पैरिटी आ रही है मतलब वुमेंस जो हैं मोर एंड मोर कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आ रही हैं देन लिटरेसी लेवल अमंग पर्सन एजड फिफ्टीन ईयर्स एंड अबव एट ऑल इंडिया लेवल स्टूड एट सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट दैन इन टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन एट्टी फोर पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट ऑफ स्कूल हैड एक्सेस टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर ये भी अच्छा है अप्रोक्सीमेटली एट्टी थ्री परसेंट ऑफ टीचर इन सेकेंडरी स्कूल्स आर ट्रेंड दीपल टीचर रेशियो स्टैंड एट ट्वेंटी वन मतलब ट्वेंटी वन बच्चों पर एक टीचर अवेलेबल है जो कि अभी मतलब इसको थोड़ा सा और कम करना है हमें है ना अब इंडिया का थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टेट्स कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं रीजनल पैरिटी कैसे है क्विकली देख लेंगे जो ये थोड़ा ब्लूइश कलर में है हिमाचल उत्तराखंड इधर आपका दिल्ली इधर आपका सदन स्टेट्स या आपके फ्रंट रनर हैं देखो इसलिए अब देखो नीति आयोग का ना मतलब हमें अच्छा लगता है वो बैड कभी कुछ नहीं कहता यह वर्स्ट नहीं कहता हमें हाँ, कहना भी नहीं चाहिए क्यों कहना किसी को गलत बैड या वर्स्ट तो जो अच्छा नहीं कर पाते तो उन्हें वो एक्सपीरियंस कह देता है नाइस nice. देखो ये भी एक लाइफ में आप अप्रोच अपना सकते हो कि आपका जो शब्दों सब, का जो चेन होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है वो किसी को डिमोटिवेट भी कर सकता है वो किसी को मोटिवेट भी कर सकता है तो इसीलिए जब वो ग्रेडिंग सिस्टम भी लाया गया था अभी एजुकेशन में तो ये फ्रंटर देन येल्लो मोस्ट ऑफ द इंडिया परफॉर्मर में है कि भाई ठीक है चलो कर रहा है देन एक्सपीरियंस में मतलब दो स्टेट्स इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं ठीक है देन एक इवेल्यूएशन देख लेते हैं एक वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं क्यों हमें जरूरी है तो इंडिया इज ऑलरेडी प्लेइंग एन एसेंशियल रोल इन अचीविंग द टारगेट सेट बाई एच डी जी फोर वेरियस इनिशिएटिव जैसे सर्वशिक्षा अभियान है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है एंड प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी इन प्लेस टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एजुकेशन पे बहुत जोर है इनफैक्ट मिनिस्ट्री जो एच आर डी थी ह्यूमन रिसोर्स डिवलपमेंट को नाम चेंज करके उसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है इसलिए द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर शेयर द गोल्स ऑफ यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन एजुकेशन कैसी होनी चाहिए यूनिवर्सल होनी चाहिए मतलब सबको मिलनी चाहिए उसमें क्वालिटी होनी चाहिए ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा दिया एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए ऐसा नहीं कि बस दसवीं तक पढ़ा दो उसके बाद ये बारहवीं के पढ़ा दो उसके बाद शादी कर दो ऐसा कुछ नहीं लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए हम सब की लाइफ में देन फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम सर्व शिक्षा अभियान इज एम्ड एट अचीविंग यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इंडियंस एंड इज कॉम्प्लीमेंटेड इन एफर्ट्स बाई स्कीम्स ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट लाइक मिड डे मील स्कीम हायर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग दस हम एक कंक्लूजन देख लेते हैं कंक्लूजन में क्या है कि रीफोकस्ड एफर्ट्स आर नीडेड टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स फॉर द फुल लाइफ साइकिल स्पेशली फॉर वुमेंस गर्ल्स एंड मार्जिनलाइज पीपल इन वनरेबल सेटिंग्स तो वनरेबल सोसाइटी का भी हमें ख्याल रखना है वनरेबल सेक्शन जो हमारी सोसाइटी में उनका ख्याल रखना है एक ओवरऑल डिवेलपमेंट करना है अगर किसी व्यक्ति का तो उसको एक सही टाइम एक सही एजुकेशन देना ज़रूरी है लंबे समय तक तभी उसका जो जीवन है वो अच्छा हो सकता है तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड कीप स्माइलिंग कीप हेल्दी एंड वी शैल सी यू टुमारो टेक केयर